यमुनानगर के थाना फकरपुर की हवालात से भागे दो चोरों को पुलिस ने महज 23 घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया। CIA 1 ने इन चोरों को हरिद्वार की एक धर्मशाला से गिरफ्तार किया है। यहां पर दोनों चोर भाई अपना नाम बदलकर कमरे में रह रहे थे। फिलहाल पुलिस इन दोनों से अब पूछताछ कर रही है। बता दें कि इन चोरों के हवालात से भागने पर 3 पुलिसकर्मी भी सस्पेंड हुए थे। 17-1 का एक मुकदमा दर्ज हुआ था 26 नवम्बर 457-380 तो सिजोली गांव से इनको चोरी करते हुए पकड़ा था और इनको अरेस्ट किया गया था। एक दिन के रिकवरी के लिए एक दिन के पुलिस रिमांड पे थे। तो कल रात ये खाना खाने के बाद पुलिस को चकमा देके भागे। तो ये हवालात में बंद थे तो कैसे निकल गए अंदर से सर? ये हवालात में बंद थे तो वो थोड़ा सा रात को इन्होंने कोशिश करके किसी तरह से अंदर से हाथ डाल के कुंडा खोल लिया और खोल के 1:15 बजे के करीब भी निकल गए। इसमें हमारे मुलाजमों की भी कुछ लापरवाही है, उनके खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है और उसमें जांच जारी है। जिसकी लापरवाही सामने आएगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है? अभी तो FIR में तो अभी 2 हमारे मुलाजम और 1 होमगार्ड का नाम है, लेकिन फाइनली अभी जांच के बाद पता लगेगा कि किसकी लापरवाही है। जेल में से बचने के लिए प्लानिंग कुछ नहीं थी सर, बस मेरा पथरी का दर्द हो रहा था जी, तो उठा था, उसने देखा जी हवालात का ताला खुला है जी, तभी उसने कुंडा खोला बाहर से। नहीं उसमें लग रहा था किल्ली ही आ रही थी, उसमें पता लग रहा था कितने आ रही कितनी नहीं। जब पूरा बंद होता था जी तो उसमें पूरा पता लगता था कि ताला लग रहा है, जो उसमें अंदर होती थी वो उससे पता लग रहा था खुल रहा था जी। नहीं बाहर नहीं था सर, कोई बाहर कोई नहीं था। हम सीधा पहले घर गए जी, घर से हमने चुपचाप घर को भी नहीं बताया, कपड़े पाए जी। कपड़े पाने के बाद हम अपने सिस्टर के पास गए, सिस्टर के पास जाने के बाद उससे पैसे लेके हम हरिद्वार गए जी। सर ये इससे पहले एक चोरी हो रही थी बाइक की बस एक चोरी हुई थी बस, और इन्होंने रात को जब इनको थोड़ा भयभीत हुए तो इन्होंने कुंडे वहाँ पे कुछ हमारे व्हीकल्स वगैरह खड़े तो उनके 8 बजे से लेके और हवालात से निकल के भागे थे और फिर उन्होंने अपने परिवार से पैसे लिए और फिर ये दोनों हरिद्वार तीर्थयात्री बन के हरिद्वार में रुके थे। हमारी पार्टियाँ इनके पीछे लगी हुई थी, उसी हिसाब से हमने इनको बहुत एक टाइम पीरियड में हम इनको पकड़ने में दोबारा कामयाब रहे। 23 घंटे में हम इनको वापस हिरासत में ले लिया क्योंकि ये भाग गए थे और हमारे हवालात से भाग गए थे, तो इसको बड़ा बड़ी ध्यान से देखते हुए मामले को बड़ी संगीनता देखते हुए इनको दोबारा राउंड अप किया गया। इनके ऊपर अभी तो जो पहले जो हमारे जुडिशियल से भागे इसी चीज़ के अंदर इनको अरेस्ट किया गया है और सेकेंडरी इनको पहले इनके खिलाफ 6 से 7 पर्चे दर्ज हैं। दोनों भाई हैं, तकरीबन वारदातें इकट्ठी ही करते हैं जिसकी वजह से इनका आपसी में कोऑर्डिनेशन रहता है और ये अपने परिवार को भी इस मामले में थोड़ा बच के निकल जाते हैं। इस बार इनको हमने बड़ी काबू किया है।